डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विधाता जीएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपना एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अभी आप लोग का काउंसलिंग समाप्त हुआ और फाइनली आप लोग को यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट दे दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका नामांकन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में है पार्ट टू में, जैसे आपका कोर्स हो जाएगा एम ए, एम एस सी, एम कॉम, एम जे, एम सी, एम सी ए, तो आप लोग का यहाँ पर एग्जाम डेट आ गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गड़बड़ी क्या हुआ है कि आप लोग का बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है नालंदा चला गया सेंटर और कई सब्जेक्ट का एग्जाम सेंटर आपको पटना में ही रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट का पटना चला गया है और किस किस सब्जेक्ट का नालंदा चला गया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का सबसे पहले हम बात करने वाले एम ए इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी पार्ट टू का, ठीक है। तो देखिए आप लोग का जो एग्जाम सेंटर है, आप लोग का यहाँ पर देखिए नालंदा चला गया है और 22 तारीख से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 22 से आपको 13 तक चलेगा, 13-6 तक। तो देखिए पेपर 9 का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 12 से 3 चलने वाला है और एग्जाम सेंटर आपको रहेगा ये देखिए नालंदा बड़गांव, जहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी बना है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नालंदा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, और आप लोग एग्जाम सेंटर पर आप लोग देख लेंगे। ऐसे गड़बड़ मत कीजिएगा कि नालंदा ही सबका है, किसी का पटना भी है तो आप लोग देख लेंगे, हम आपको सारा वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये सब देखिए आप लोग तो जानते ही हैं, ये सब तो आप पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए और बस वही है, एग्जाम में अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। बाकी हम तो एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आप लोग को चैनल पर पहले से भी अपलोड है, पुराना वीडियो देख लेंगे किस प्रकार से तैयारी वारी करना है ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स आ पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एम ए एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट और उर्दू सब्जेक्ट का, जिनका भी ऑनर्स पेपर ये रहा है पार्ट टू का, आप लोग स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड देखिए आप लोग का 22-5 से ही एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और देखिए पेपर 9 का जो एग्जाम है 2 से 5 और देखिए आप लोग का एग्जाम सेंटर जो गया फ्रेंड यहाँ पटना साइंस कॉलेज अशोक राजपाल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ चला गया था, जिनका भी पटना गया उनका तो मौज है मेरे ख्याल से। अगर अगर नालंदा साइड के स्टूडेंट नहीं है और आप लोग का पटना आगे पटना सेंटर है तो अच्छा ही आप लोग को फील हो रहा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का है जो कई दूसरे जगह से आते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई झारखंड का स्टूडेंट है या फिर कोई आप लोग का मोतिहारी का स्टूडेंट है, पूर्णिया का स्टूडेंट है, मतलब दूर दूर का है, तो उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है नालंदा जाने में, पटना रहता है तो बेटर रहता है क्योंकि यहाँ पर सारा सुविधा आराम से मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी स्क्रीन शॉट ले लेंगे और आप लोग को देखिए यहाँ पर 13 तक आप लोग का भी एग्जाम चलने वाला है, ठीक है ना। 9 से स्टार्ट होगा, पेपर 16 तक चलेगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एम ए में आप लोग को 16 पेपर होता है, 8 पेपर पार्ट वन में होता है, टोटल 8 पेपर का एग्जाम आप लोगों ने पार्ट वन दिया होगा, 8 पेपर का आप लोग पार्ट टू में देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाएं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स आ पाए एग्जाम में। अब देखिए हम बात करने वाले फ्रेंड्स एमए हिंदी और पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो देखिए हिंदी और पॉलिटिकल साइंस का जिनका भी ऑनर्स पेपर है, ठीक है ना, तो देखिए आप लोग का जो सेंटर है, आप लोग का यहाँ पर कॉमन सेंटर रहेगा और एग्जाम का डेट भी सेंटर रहेगा, जो भी यहाँ पर रहा यहाँ पर दिया हुआ रहता है एमए हिंदी पॉलिटिकल साइंस या कुछ भी और भी रहता, तो आप लोग का सेम दिन सेम एग्जाम आप लोग रहेगा। जैसे देखिए 21-5-2024 आप लोग एग्जाम स्टार्ट होगा, पेपर 9 पेपर का एग्जाम होगा, 9 पेपर का 2 से 5 चलेगा और देखिए पटना कॉलेज और अशोक राजपाल आप लोग का सेंटर रहेगा, ठीक है। उस तरह से 21 तारीख से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोग 12-6 तक चलेगा। जैसे 21 का एग्जाम स्टार्ट है, अभी देखिए 22-23 गैप है, फिर 24 का है, 25-26-27-28 देख रहे ना, गैप दिया इस इतना गैप दे दिया कि आप लोग बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर लेंगे। बाकी ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस का कोई स्टूडेंट होता है तो उनको फिर रहना खाना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या ही कीजिएगा। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी है, ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आपका हॉस्टल सुविधा दिया गया है, तो उसको पहले से वहाँ पर जा करके आओ, ऑफलाइन बुक हो किया जाता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक सिस्टम खराब किया है कि ऑनलाइन बुक नहीं होता है, वहाँ पर जाइएगा और उसमें है कि पहले आओ पहले पाओ, जितना लगभग 250 या 300 सीट है लगभग, ठीक है ना, तो वहाँ पहले जाइएगा तो आपको बुक होता है, तो वही लगता है कि 125 रुपये पर डे का वहाँ पर चार्ज है रूम का, और बाकी आपको वहाँ पे खाने पीने का वही 70-75 रुपये का लगता है खर्च आता होगा, या फिर आप लोग बाहर भी खा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए हम बात करने वाले हैं एम ए हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो आप लोग का देखिए भी आपका 21 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 12-6 तक आप लोग चलने वाला है और आप लोग भी पटना में सेंटर रहेगा, तो इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें। और बता दें फ्रेंड्स कि एग्जाम में आप लोग को मैक्सिमम पेज को कवर करना है, ठीक है ना, बहुत सारा बात हम जो बता चुके हैं, पुराना वीडियो आप लोग देख लेंगे। असाइनमेंट नहीं तैयार किया है तो असाइनमेंट तैयार कर लें ताकि आप लोग को हड़बड़ी में एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करना पड़े, क्योंकि असाइनमेंट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि पार्ट टू में क्या होता है कि लगभग 6 पेपर में असाइनमेंट बनाना होता है, तो इसके कारण से आप लोग अभी से ही ध्यान दें ताकि आप लोग को अच्छा एग्जाम जाए और अब एग्जाम का प्रिपरेशन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप लोग प्रिपरेशन करें, आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब हम बात करने वाले फ्रेंड देखिए एमएस संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो एमएस संस्कृत का देखिए ऐसा ये सब्जेक्ट है कि आप लोग का सिर्फ उन्हीं का एग्जाम है, इसमें दो सब्जेक्ट वाले को नहीं मिलाया गया, मर्ज नहीं किया गया, तो 22 से आप लोग का एग्जाम चलने वाला है और देखिए 13-6 तक आप लोग एग्जाम चलने वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग का भी देखिए ये जो टाइमिंग रहेगा 2 से 5 रहेगा और एक सेंटर भी यहाँ पर देखिए पटना में रहेगा, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग भी प्रिपरेशन में लग जाएँ। अब हम बात करने वाले फ्रेंड देखिए एमए एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका एनवायरमेंटल साइंस का, ठीक है। तो जिनका भी सब्जेक्ट रहा है तो आप लोग का भी एग्जाम 22-5 से स्टार्ट होगा, 13-6 तक चलेगा और देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ टाइमिंग भी वही रहेगा और देखिए पटना आप लोग का सेंटर गया है तो बहुत ही खुशी का बात है आप लोग का, ठीक है। जिनको भी नालंदा गया उनको थोड़ा सा तकलीफ महसूस हो रहा है क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत तरह की सुविधा नहीं है। अब हम बात करने वाले फ्रेंड देखिए एमए एमएससी ज्योग्राफी और होम साइंस का, ठीक है। अगर आप लोग एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं या फिर एमए
एमएससी ज्योग्राफी कर रहे हैं या फिर आप एमए होम साइंस कर रहे हैं, एमएससी होम साइंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का जो एग्जाम सेंटर है चला गया है नालंदा, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए नालंदा चला गया है, तो क्या ही कीजिएगा आप लोग, बस एग्ज़ाम तो कैसे भी जा करके देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, हम आप सभी का दर्द को हम समझते हैं फ्रेंड्स, और आपका बात भी हम वहाँ पर यूनिवर्सिटी के आप लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चला जाता है तो दूर दराज के रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कोशिश यही रहता है कि आप लोग का सेंटर पटना में दिया जाए, लेकिन हम ये भी आप लोग को गाइड करते रहे हैं कि 50% चांस है कि आप लोग का ऐसा रहेगा, लेकिन वही हुआ है कुछ का। देखिए यहाँ पर पेपर आपका पटना में ही दिया है एग्ज़ाम सेंटर, और कुछ का वहाँ चला गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स आपको फुल्ली एकदम समझ जाइए कि आप लोग का सेंटर नालंदा ही धीरे धीरे रहने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए अभी कुछ साल तक देखिए अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, अभी मौसम भी है इस तरह का, तो जिनका पटना चला गया है तो उनका भी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 21 पास से आप स्टार्ट होने वाला है, और देखिए 12-6 तक चलने वाला है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर और भी इनका देखिए जो सेंटर दिया गया जो नालंदा वाला, ठीक है ना, तो इनका देखिए 12-3 चलने वाला है, तो 12-3 दिया है तो ये भी सही है एक तरह से टाइमिंग, अगर कोई वहाँ से निकलना चाहे, ठीक है ना, कोई पटना आना चाहे या फिर कोई कहीं भी, अगर उनको वहाँ पर रहने होने का सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 3 बजे से बाद वहाँ पर निकल करके आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन प्रोग्राम यहाँ पर आपका जो दिया है एमए एमसीए पार्ट टू का, तो ये देखिए न्यू सिलेबस वाला है, ठीक है ना, न्यू सिलेबस वाला है। तो जिनका भी न्यू सिलेबस रहेगा वो स्टूडेंट को पता होगा मेरा न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जब 21 तारीख से एग्जाम होगा पेपर 9 का, और यहाँ पर देखिए पेपर 15-10-6 तक चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप लोग का जो टाइमिंग है यहाँ पर 13 से लेकर 21 तक, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का प्रैक्टिकल चलेगा पेपर 9th का, फिर देखिए यहाँ पर पेपर 13 का 14 का 15 का, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट भाई रहेगा, ये सिर्फ यहाँ टाइमिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जाम सेंटर है तो नालंदा है ही, उसके बाद देखिए जो प्रैक्टिकल का जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, ठीक है ना, एग्जाम सेंटर रहेगा या फिर वहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल बताया जाएगा किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो ये आपको देखिए यहाँ पर ये रहेगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 2nd फ्लोर कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना, आई टी 2nd फ्लोर, तो ये चीज़ हो गया। तो इसको भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे एमसीए पार्ट टू ओल्ड सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए 21 पास से स्टार्ट हुआ ना, और देखिए 20-6 तक चलेगा, ठीक है, पेपर 15 तक आप लोग का जो एग्जाम होगा 12 तक, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको देखिए यहाँ पर दिया है, और ये पर आपका टाइमिंग दिया हुआ, और देखिए जो सेम था वही है जैसे न्यू सिलेबस में था, जहाँ पर सेंटर देखिए थ्योरी पेपर का जो सेंटर रहेगा यहाँ पर देखिए यहाँ रहेगा, और आपका जो प्रैक्टिकल का सेंटर रहेगा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन लग जाएँ। अब हम बात करने वाले फ्रेंड्स एमसीए पार्ट 3 का, एमसीए पार्ट 3 का जो स्टूडेंट है उनका देखिए एग्जाम सेंटर नालंदा चला गया है, तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग को कैसा फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग को जो 21 तारीख का एग्जाम है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पेपर 17 का एग्जाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टोटल लेकर के पेपर 23 तक आपको जो एग्जाम जो चलने वाला फ्रेंड्स 10-6 तक, उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल का जो होगा पेपर 17 का, ठीक है, और यहाँ पर देखिए पेपर 23 का, और यहाँ पर हो जाएगा पेपर 24 का, ठीक है, पेपर 24 का आप लोग का एग्जाम जो चलेगा प्रैक्टिकल का, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइमिंग वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर जो आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे और अपना प्रिपरेशन में लग जाएं, ताकि एग्जाम आप लोग का अच्छा जाए। अब हम बात करने वाले फ्रेंड देखिए एमकॉम पार्ट 2 का, एमकॉम पार्ट 2 का देखो एग्जाम सेंटर चला गया है तो पटना चला गया है, ठीक है ना। तो पटना चला गया तो आप लोग तो अच्छा ही फील कर रहे होंगे, ऐसे अगर किन्हीं का सेंटर पटना चला गया है, ठीक है ना, तो वो कमेंट करके जरूर लिखें कि हमको पटना चला गया तो इसके कारण हमको दिक्कत महसूस हुआ। वैसे स्टूडेंट यहाँ पर जो कमेंट करेंगे जिनका पटना दूर पड़ता हो नालंदा नज़दीक पड़ता हो, ठीक है, तो हम भी देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो पटना को लाइक कर रहे हैं एग्जाम सेंटर, और कितना स्टूडेंट है जो नालंदा को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताएंगे जिस प्रकार से हमको भी समझ में आए और उस तरह से हम आप लोग के लिए आगे बातें कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 22 पास से एग्जाम चलने वाला है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 13-6 तक चलने वाला है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए एग्जाम सेंटर जिनका भी पटना गया उनका समझिए कि लगभग का जो टाइमिंग है वो 2 से 5 रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से निकलने का यहाँ ट्रेन का बहुत सारा सुविधा है, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पटने वाले स्टूडेंट का मैक्सिमम आप लोग को 12 से 3 दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट एमजेएमसी पार्ट 2 का, देखिए एमजेएमसी पार्ट 2 जिनका भी रहा है, ठीक है, 22 पास से आप लोग का एग्जाम चलने वाला है। देखिए यहाँ पर आप लोग को 11-6 तक आपको चलेगा पेपर 15 तक एग्जाम, ठीक है ना, और आपका भी पटना में सेंटर रहेगा तो मस्ती ही है। उसके बाद देखिए पेपर 16 का जो एग्जाम होगा फ्रेंड प्रैक्टिकल काउंसलिंग चलेगा, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, तो प्रैक्टिकल काउंसलिंग चलेगा फिर एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 13-6-24 से लेकर 28-6-24 तक चलेगा पटना में, एंड प्रैक्टिकल काउंसलिंग एग्जामिनेशन एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है, तो देखिए प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, ये सब चीज़ का आप लोग प्रैक्टिकल काउंसलिंग चलेगा और एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए डेट कब और टाइमिंग कब है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग का स्क्रीन शॉट ले लें और आप लोग अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करें, ताकि आप लोग एग्जाम अच्छा जाए। अब हम बात करने वाले फ्रेंड्स देखिए एमएससी बॉटनी एंड केमिस्ट्री का, ठीक है, पार्ट 2 के स्टूडेंट, तो देखिए बॉटनी और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपका भी एग्जाम सेंटर है फ्रेंड्स यहाँ पर नालंदा चला गया है, देखिए नालंदा चला गया, और देखिए 12-3 आप लोग का एग्जाम सेंटर रहेगा, और 21 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जो 12-6 तक चलेगा, पेपर 16 तक 9 से स्टार्ट होगा, पेपर 16 तक एग्जाम चलेगा, तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं सोशल मीडिया हर ग्रुप में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का अभाव में स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि एग्जाम छूट जाता है,
तो इसलिए मैं बार बार आप लोग को आग्रह करता हूँ, ठीक है ना, और आप लोग को सचेत भी करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आपको मेरे चैनल से निश्चित ही सफल आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप लोग सक्सेस का टिप्स मिलेगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई करवाएं, अच्छा मार्क्स ला पाएँ, कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोग किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, खास करके नालंदा का आप जो भी स्टूडेंट है उनको तो सब्सक्राइब करना निश्चित बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन का अभाव में तीन तीन साल से दो दो साल से एग्जाम छोड़ देते हैं, या फिर उनको पता नहीं है कैसे एग्जाम में लिखना है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे बनता है, तो ये सब चीज़ के लिए हम सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहेंगे आप लोग। और इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका लास्ट यहाँ पर स्लाइड है, देखिए एमएससी फिजिक्स और जियोलॉजी पार्ट टू का, तो आपका भी देखिए 22 पास एग्जाम होने वाला है, 13-6 तक चलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका भी देखिए नालंदा चला गया सेंटर और 12-3 आप लोग का एग्जाम रहेगा, तो आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स आप लोग को कैसा फील हो रहा है, जिनका नालंदा गया सेंटर और जिनका पटना गया, दोनों स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि मेरे लिए बेटर हुआ कि मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, ठीक है आप लोग लिखेंगे। कोई कोई स्टूडेंट जिनका पटना चाहिए था पटना मिल गया खुश होंगे, इनको नालंदा चाहिए था नालंदा चला गया तो खुश होंगे, ठीक है ना। और तो इस तरह से आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स और मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।